हमने कर दी यहाँ पार्किंग अपनी गाड़ी, और सब लोगों की लगभग लगभग इधर ही है पार्क, ये देखो। और इससे ऊपर भी ले जाते हैं लोग गाड़ी, पता नहीं कहाँ से ले जाते हैं यार, रास्ता तो मुझे नहीं पता। ये वाला रास्ता तो बना ही, पेड़ गिरा हुआ है। और हमारे पर्रू भाई रेडी हो गए मोबाइल के साथ गाना चला के। तो हे गाइज, वेलकम हो गया आप लोगों का मेरे ब्लॉग में। और मैं चल रहा हूँ अभी ऊपर के ओर ट्रैक करते हुए ऑफ रोडिंग, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ गई हमारे खटीमा बग्गा में। तो आप लोगों को पता नहीं होगा क्यों बग्गा में कितनी गर्मी पड़ी करके, क्योंकि आप लोग बग्गा तो आते नहीं हो, और जो बग्गा में रहते हैं उनको पता होगा। तो उन लोगों के लिए सजेस्ट करता हूँ इधर आएँ कमेट में, कमेट बहुत अच्छी जगह है, आप लोग देख लिया करो मेरा ब्लॉग। और ये वाला ब्लॉग भी देखो, इस पर काफ़ी मस्ती करने वाले हैं हम लोग। तो आज पर्रू भाई आए हैं फर्स्ट बार, इनका कैसा रहता है, इनको कैसा लगता है कमेट, अभी पता चलेगा जब ये पहुँचेंगे, फेस इंप्रेशन से पता चलेगा। और बोलने में भी थोड़ी झिझक हो रही है क्योंकि इंग्लिश मेरे को बहुत कम आती है, आप लोगों को पता ही है। थोड़ा थोड़ा मेरे को कमेंट में सिखा दिया करो, अच्छा लगेगा। तो चलते हैं ऊपर की ओर, धूप बहुत तेज़ हो रही है यार यहाँ भी। तो गाइज, यहाँ से हो गई है फुल ऑफ रोडिंग, और थोड़े अंदर से हम निकले हुए हैं, दिखाते हैं आप लोगों को कहाँ से आए थे हम। ये देखो, यहाँ पर से आए, यहाँ से पत्थर स्टार्ट हो गए, पर्रू भाई आ रहे हैं। देखो ये देखो, फुल ऑफ रोडिंग है, अब यहाँ से पत्थरों में चल के जाना है। अब यहाँ से थोड़ा सा दिक्कत शुरू हो जाएगी, क्योंकि पैर ऐसी जगह पर ही मुड़ते हैं, थोड़ा सा फिसलन हुई नहीं, थोड़ा स्लिपरी हुआ नहीं, पैर मुड़ गया, पसीना देखो कैसा हो रहा है हाथ में, इतनी गर्मी हो रही है। इसी चक्कर से हम कमेट बाबा के यहाँ आए हैं, और यहाँ हम थोड़ा सा स्नान करेंगे, इन्जॉय करेंगे लाइफ को। क्या है ना यार, ज़िंदगी में कुछ नहीं रखा है, थोड़ा सा इन्जॉय करना चाहिए। शादी करना, बच्चे पैदा करना, घर गृहस्थी करना, ये तो सभी लोग करते हैं, कुछ हटके भी करना चाहिए ज़िंदगी में। दुनिया घूम के इन्जॉय करनी चाहिए, दुनिया कैसे जी रही है, कैसे घूम रही है, कैसे खा रही है, कहाँ रह रही है, क्या क्या करती है, सब कुछ पता होना चाहिए। क्या खा रही है, क्या पी रही है, सब पता होना चाहिए, सब चीज़ का अनुभव होना चाहिए, किसी चीज़ में डूबा नहीं होना चाहिए कि क्या करना है कैसा नहीं करना है। अब लोग कुछ घर ही में रहते हैं, रहे वो, बहुत थक गए हैं। और चढ़ते चढ़ते पर्रू भाई हमारे वीडियो बनाने लग गए, काफ़ी अच्छे सौंदर्य दिख रहा है पर्रू भाई को, खुश हो गए हैं। ये देखो कितना मस्त दिख रहा है पर्रू भाई, इसको देख के खुश हो गए। तो मैं तो खड़ा हूँ यहाँ पे और देख रहा हूँ पर्रू भाई वीडियो बना रहे, काफ़ी अच्छी। तो चलते हैं ऊपर की ओर, ऊपर वाला दिखाते हैं आप लोगों को, जो ऊपर वाला वाटरफॉल है बहुत प्यारा। यहाँ कपल भी बहुत सारे आ रहे हैं, पर उनको डिस्टर्ब ना करते हुए हम आगे बढ़ जा रहे हैं। क्या डिस्टर्ब करना है यार किसी को, वो भी अपनी लाइफ इन्जॉय करने के लिए आ रखे हैं, और हम उनको परेशान करते तो फिर क्या फ़ायदा है, नहीं है, इसलिए मैं ज़्यादा दिखा भी नहीं रहा। तो चलते हैं ऊपर, ये देखो हमारे पर्रू के काम, पर्रू लोड पोड भी हो जा, गुड शाबाश। ये देखो हमारा भाई पहली बार आ रहा है, और ये हरकतें इसकी देखो, यहाँ पार्टी चल रही है, ये भाई लोग रतनपुर वाले। आगे आगे मेरे देखो कितनी भीड़ जा रही है, पूरे लड़के लड़कियाँ फैमिली जा रही है शायद, पता नहीं यार, घूमने वाले टूरिस्ट ही जा रहे हैं। और वाटरफॉल हल्का सा दिखाई दे रहा है, वो देखो आप लोगों को दिख रहा होगा थोड़ा दूर, और अभी हम बहुत दूर हैं, काफ़ी डाउन हो रखी है। तो चलते हैं परवीन भाई के कहने पे नीचे से, यहाँ से चलते हैं, ऊपर से मना कर रहा है, नीचे ही चलते हैं, ठीक है, दिखाते हैं आप लोगों को। ये देखो कैसा ट्रैक है, बिल्कुल ऊपर ही से चलना है, ऊपर ही से, हाँ आ जा, हाँ सर आ जाएगा। देखो उंगली में डाल इसको, अरे बेकार आदमी है यार, चढ़ भी नहीं पा रहा है, ऐसे आदमी को लेके आया। ये देखो बैंक वाले तभी काम के नहीं, बैठे बैठे कुर्सियाँ तोड़ते हैं, पैसे छापते हैं, इनके यहाँ मशीन होती है पैसे छापने वाली। और हम दोनों कुंवारे हैं, किसी लड़कियों को हम पसंद आ रहे हैं तो कमेंट में प्रपोजल भेज देना, खाली बेस्ट बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड तक, इससे आगे नो। शर्मा गया भाई, लाल हो गया भाई। गाइस तो हम पहुंच गए कमेट और वाटरफॉल, 180 व्यू आप लोगों को साफ साफ दिखाई दे रहा होगा, तो नज़दीक पे पहुंच गए हैं हम, पहुंच गए वाटरफॉल पे, और जस्ट अभी पहुंचे ही हैं, बहुत दिक्कत हुई, बहुत ज़्यादा थक गए, हाथ के पसीने से आप लोगों को पता चल रहा होगा कितनी ज़्यादा दिक्कत हो रही है, और पूरा चेहरा लाल हो गया है। पर्रू भाई चले गए वाटरफॉल के पास, और मैं एक बार बैग छोड़ के आ गया हूँ, और आप लोगों को पीछे का दृश्य दिखाई दे रहा होगा, कितना मस्त है। अब इन्जॉय करने की बारी है, क्योंकि हम बना बनाया लेके आए हैं, हम चिकन राइस लेके आए हैं, थोड़ी सी कोल्ड ड्रिंक लेके आए हैं इन्जॉय करने के लिए, इतना बहुत है हमारे लिए, और थोड़ा पीनट वगैरह लेके आए। और वाटरफॉल में थोड़ा सा पानी कम है, पर ठीक है, जो भी है बहुत ठंडा पानी है, थोड़ा मज़ा आ रहा है, क्योंकि गर्मी से काफ़ी राहत मिलती है इधर पे, और थोड़ा नेचर के साथ बैठने में अलग ही मज़ा है, थोड़ा रिलैक्स फील होता है, क्योंकि यार हमारे गाँव साइड में बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, काफ़ी परेशान है। तो दिखाते हैं आप लोगों को थोड़ी थोड़ी देर में, आप लोगों से थोड़ी थोड़ी देर में आप लोगों से बात करते हैं,
तो चलते हैं वाटरफॉल के पास। और ये भाई लोग पार्टी कर रहे हैं यहाँ पे, और अब अच्छे से दिखाते हैं 180 व्यू आप लोगों को सामने से बिल्कुल करीब से। और ये देखो इस तरह से बैठे हुए हैं, कुछ नहा रहे हैं और वहाँ पर वाटरफॉल दिखाई दे रहा है, कुछ वाटरफॉल के ऊपर से आप लोगों को कूदते हुए दिख रहे होंगे। और ये देखो कैसे बैठे हुए हैं सब लोग, पार्टी कर रहे हैं। ये देखो भाई लोग कैसे एंजॉय कर रहे हैं, फोटो ले रहे हैं, एक से एक सेल्फी ले रहे हैं, फोटोग्राफी हो रही है, शाम को पोस्ट करेंगे इंस्टाग्राम रील्स फेसबुक रील्स में। और वो देखो झरने का देखो कितना मस्त पानी आ रहा है, सब लोग एंजॉय कर रहे हैं। अब मैं भी जाने वाला हूँ। और ये देखो कितने सारे लोग इधर भी बैठे हुए हैं, और कितनों का चूल्हा इधर भी लगा हुआ है, कितने भाइयों का चूल्हा इधर भी लगा हुआ है। ये देखो सब लोग एंजॉय कर रहे हैं, सब लोग खुश हैं देखो। और हमारे पर्रू भाई यहाँ खुश है देखो, ये पसीने से देखो इस भाई का, ये देखो हाय गर्मी गाइस। ये देखो नितिन देखो कैसे नहा रहा है, पूरा जलपरी बन गया देखो, ये जलपरी। अरे ये देखो हमारे गांव के लोग आ रखे हैं यार अभी, और ये जलपरी बन गया देखो नितिन, ये मेरा नाम राशि है ये। और ये भाई लोग अभी जस्ट पहुंचे ही है, एक घंटे बाद पहुंचे, और कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं देखो, ये कोई कोक पी रहा है, कोई स्प्राइट पी रहा है, सब मजे में चिकन और स्प्राइट पी रहे, कोल्ड ड्रिंक पी रहे, दारू कोई नहीं पीता इसमें से, सब नशा मुक्त वाले हैं ये, कोई दारू नहीं पीता है, सब शरीफ आदमी है ये, सब मेरे जैसे है कोल्ड ड्रिंक पीने वाले भाई, कोई दारू नहीं पीता, ये भी नहीं पीता दारू। तो गाइज आप लोगों को दिख रहा होगा कमेंट में बहुत सारे लोग आ रखे हैं, कम से कम 75 लोग तो नाना मत्ता साइड से आ रखे हैं, और ये वहाँ शक्ति फार्म साइड से भी आ रखे हैं, बहुत ज़्यादा लोग हो गए हैं यहाँ। तो हमारे गांव वाले भी आ रखे हैं यहाँ पर, ये नितिन नहा रहे हैं और ये भाई लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर पार्टी कर रहे हैं, देखो कितना इन्जॉय कर रहे हैं। ये नितिन और सुंदर देखो ऊपर चढ़े हुए हैं और यहाँ से कूदने की सोच रहे हैं, ये देखो कूदने वाला था कि नीचे कोई आ गया है, आप लोगों को नीचे दिखाते हैं, ये देखो, और कूदता तो इसको चोट लग जाती इसलिए रुक गया सुंदर भाई हमारे, और वेट कर रहे हैं उसके हटने का और पोजीशन बना रहे हैं अपनी कूदने की, और वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए बोल रहे हैं वो जो मैं कर रहा हूँ। और ये देखो दिखाते हैं आप लोगों को कैसे जंप करते हैं, कितना टफ पड़ता है यहाँ से, ऐसे लग इजी रहा है बहुत नीचे लग रहा है, मगर जब ऊपर जाते हैं तो तब पता लगता है कितना ज़्यादा टफ है। और परवीन भाई बोल रहे हैं हमको इस साइड से वीडियो बनाओ तब अच्छी आएगी, ये देखो ये कूद के सुंदर भाई देखो, बहुत ज़्यादा टफ होता है भाई, मैं तो कूदता भी नहीं, बहुत ज़्यादा रिस्क होता है क्योंकि ऊपर से पैर स्लाइड करने का भी डर होता है, तो इन लोगों को भी सजेस्ट करते हैं मगर कोई मानता नहीं है। और देखो लगातार कूद रहे हैं देखो, एक के बाद एक नॉन स्टॉप, और वो देखो नितिन भाई भी कूदने वाले हैं, वेट कर रहे हैं वो भी अपना, देखते हैं अभी कूदते हैं नहीं कूदते हैं, कितनी देर में कूदते हैं, कूदने की तो सोच रहे हैं। अरे दोनों एक साथ कूद गए यार, कहीं लगी तो नहीं पता नहीं, पर लगी नहीं होनी चाहिए, नहीं लगी, बच गए, चलो अच्छी बात है। और हमारे पर्रू भाई कुछ ज़्यादा ही खुश है पानी में, ठंडे पानी में, क्रिस्टल पानी में, देखो कितना मस्त करके इंजॉय कर रहे हैं। और ये हमारे गाँव के भाई लोग देखो वाटरफॉल के नीचे पे गए हैं और कितने मस्त करके मज़े ले रहे हैं, क्योंकि पानी झरना गिर रहा है ऊपर से नीचे को। चवन के लौड़े एक से, और सबसे अच्छी बात यह है कहीं भी गंदगी नहीं कर रहे, सब पन्नी में डाल के ले जा रहे हैं। हमारे सुंदर भाई सुंदर धामी जी देखो कितना स्वच्छ भारत अभियान चला रहे हैं, ये देखो, और लोग देखो कितनी गंदगी कर रहे हैं, डिस्पोजल वगैरह कैसे फेंक रखे हैं। और ये देखो हमारे धामी जी, ये कैलाश तू हाथ मत फैला, काम वो कर रहा हाथ तू हिला रहा है, अभियान तेरा ही है। अच्छा सही बात है, सही बात है, वो 500 देख के एक करेगा गाइस। तो लेते हैं अलविदा इस वाटरफॉल से, और ये है कमेट, और आप लोगों को दिख रहा होगा अब लास्ट में थोड़े बहुत बचे हुए हैं, अभी कम से कम एक बार तो 300-400 लोग हो गए थे यहाँ, पूरी जगह नहीं थी, अब थोड़ी हल्की सी है, मतलब 10% भी नहीं रह गए, बिल्कुल हल्के रह गए। और परवीन भाई देखो कितने मस्त से बिल्कुल खड़े होके तैयार होके, कपड़े पहनने होते हैं नंगा है नीचे से यार, अद्धा कसम से, और बड़े स्टार से पोज दे रखा है ये बैंक वालों के हाल, छी चल चल करके। और गाइस लेते हैं कमेट से अलविदा, बाय कमेट, परसों आता हूँ। बहुत मस्त जगह है भाई, आप लोग भी आना, आप लोगों को अगर यहाँ का मार्ग दर्शन मतलब गाइडलाइन चाहिए तो मेरा पिछला वाला ब्लॉग देखना, इस वाले ब्लॉग में मैं रास्ता नहीं बताऊंगा क्योंकि यार हर ब्लॉग में रास्ता दिखाऊं वो मजा नहीं आता है। कितना प्यारा लग रहा है दूर से भी यार, मजा आ गया, ये देखो, ये देखो, ये ऊपर से जो कूद रहे हैं ना काफ़ी रिस्क है, यहाँ से नहीं कूदना चाहिए, पर हम भी नहीं कूद रहे, और अभी भी लोग पार्टी कर रहे हैं देखो ये लोग, पर हम लोग तो चल देते हैं यार क्योंकि हम लोग बहुत डरते हैं,
क्योंकि हमको ना भूत से भी डर लगता है, टाइगर से भी डर लगता है, हम लोग बच्चे ही हुए भी 22 साल के, तो चलते हैं टाइम पर घर से। ठीक है, गर्लफ्रेंड तभी चाहिए बोला था मैं, क्योंकि 22 साल के ही है ना, शादी की एज अभी हुई नहीं है। काफ़ी आगे पहुंच गए हैं घर को जाने वाले रोड पे, और फिर से हमारी हालत डाउन हो गई है, पसीना पसीना हो गए हैं। और यहाँ थोड़े आगे से ही ब्यांदुराला रोड गया है, तो दिखाते हैं आप लोगों को। कम से कम हमने आधा रास्ता कवर कर दिया है कमेट से घर की ओर जाने वाला, और ये जितने लोग दिखाई दे रहे हैं ये सब आपको ब्यांदुरा जाने वाले लोग दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्राउड होगा अभी ब्यांदुरा के, वहाँ क्योंकि गर्मी का टाइम चल रहा है और लोग नहाने के लिए भी और दर्शन करने के लिए भी जाते हैं इसी टाइम पर। तो ये है ब्यांदुराला रोड, ऊपर गया कमेट और नीचे गया बिरिया मजोला बिछवा, और ये जो लोग जा रहे हैं ऊपर ब्यांदुरा को जा रहे हैं, देखो ये जो रोड गया ऊपर को, ये ब्यांदुरा को गया हुआ है ये ऊपर वाला है भाई। तो गाइस हम काफ़ी थक गए हैं, और वहाँ से पहुँचते पहुँचते कम से कम 1-2 किलोमीटर होगा, पर थोड़ा सा ऊपर खापड़ है ना, ऑफ रोडिंग है, पत्थर वत्थर हैं, तो स्लिप होने का काफ़ी डर बना हुआ है और पत्थरों में चलने का। अब तो थोड़ा नॉर्मल ट्रैक वगैरह है, देख लो आप लोगों को दिख रहा होगा, आगे भी दिख रहा होगा, तो थोड़ा ठीक हो गया है, पहले बिल्कुल ख़राब था, पत्थरों में चलना था नदी में, उस चक्कर से थोड़ा डर लगा हुआ था, अब थोड़ा सही है। अब गाड़ी के पास भी पहुंचने वाले हैं ऐसा लग रहा है कुछ देर में, थोड़ी सी शांति है दिल में क्योंकि सामने भी पहुँचने वाले हैं, नहीं तो यार बहुत टाइम हो गया, 6:30 हो गए यहीं हमको, और गाड़ी के पास नहीं पहुँचते थोड़ा दिक्कत हो जाती क्योंकि लेट हो गया ना थोड़ा सा। अब यहाँ से कम होगा 30-35 किलोमीटर दूर, और इतना दूर बहुत होता है, और ऊपर से जंगल के रास्ते जाना आप लोगों को तो पता ही है। और ये चिड़िया देखो, वो कीड़े देखो कैसे ची ची कर रहे हैं, दिखाता हूँ आप लोगों को, नॉइज़ तो आप लोगों ने सुनी दी होगी, दिखा तो कहाँ पाऊँगा, ये तो पेड़ों के अंदर होते ना, पेड़ खाते कच 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 करके, तो नॉइज़ सुनाई दे रही होगी आप लोगों को, कैसी आवाज़ सुनाई दे रही है। ये थोड़ा जैसे जैसे सूरज डूबता है वैसे वैसे ज़्यादा ज़्यादा शोर होता है इनका, तो वो हो रहा है आप लोगों को सुनाई दे रहा होगा। तो अब गाड़ी के पास पहुँच जाएंगे हम, और परवीन भाई हमारे पीछे पीछे आ रहे हैं स्मार्ट बन के, नहा धो के बिल्कुल चकाचक हो गए।